हाईवे पर ट्रक पर से माल को लूटने वाले गिरोह के एक सदस्य को सहजनवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान कुशीनगर जिले के थाना पटहरवा के ग्राम पसरौनी निवासी जयप्रकाश सैनी पुत्र श्रीनाथ सैनी के रूप में हुई है। इनके पास से लूट और हत्या के प्रयास की घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा तथा लूट में प्रयुक्त होने वाली बिना नंबर की ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि यह लोग हाईवे पर ट्रक में लगे सामानों की लूट करते थे। रविवार को ये लोग ट्रक पर लदे सरिया को लूटने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण इनका प्रयास सफल नहीं हो पाया और इन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। चलो भाई बैठो। ट्रैक्टर था जिसमें सरिया लगा था लोहे का, उसके बीच का प्रयास। इसके अंदर जयप्रकाश सैनी जो कि मूलतः कुशीनगर के निवासी है, इनको गिरफ्तार किया गया है और ये लूट सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। इसके अंदर इनके पास असला है वो भी बरामद किया गया और जो बदमाश कार छोड़ के भागे हैं वो कार भी रिकवर हो गई है। इस संदर्भ के अंदर तीन लोग संदीप, जितेंद्र, विवेक, इन तीनों के नाम भी प्रकाश में आए हैं। ये तीनों लोग भी, इनमें से एक बिहार का, दोनों कुशीनगर के रहने वाले हैं और इन जो कंसर्न व्यक्ति इसने अपने लोगों का इकबाल किया है और बाकी तीन लोग जो शेष रह गए उनके ऊपर भी शीघ्र जो है गिरफ्तारी। सर, ये किस तरह से लूट करते थे, किस तरह से लूट करते ये थे? बेसिकली फोर व्हीलर के अंदर थे और इनका जो इनका मॉडल ऑपरेंडी था कि जो सरिया वाला है उसको बंधक बना लेंगे, बंधक बना के आगे फेंकने का, और जो गाड़ी थी सरिया की उसको आगे पूरी तरह अपने शिकंजे में लेके जाने का इनका। क्या यह इनकी पहली लूट थी कि इससे पहले भी और लूट कर चुके हैं? जो गिरफ्तार हुआ है अभियुक्त, इसने अभी तक ये बता रहा है कि ये सिर्फ अभी पहली बार ही मिला था और पहली बार इन्हें घटना में शामिल हुआ। बाकी तीन लोग जो हैं इनके बारे में तस्दीक किया जा रहा है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में, इनकी आमदनी के बारे में, हो सकता है ये व्यक्ति और भी घटनाओं में सम्मिलित।